गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? आज हम अभिनव हिंदी प्रथम सत्र कक्षा 4 की बुक में चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 है मैं मक्खी हूँ। यहाँ मक्खी अपने बारे में बताती है। मैं मक्खी हूँ એટલે કે હું માખી છું। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। मक्खी, माखी, बीमारियाँ, रोगो, साफ सुथरा, स्वच्छ, मोहल्ला, शेरी, गंदगी, गंदकी, कौन, कौन, जगह, जगह, भलाई, भलू, कल्याण, परिवार, कुटुंब। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता? हूँ माखी छु, मने कौन नहीं जानतो? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। एवी कोई जगह नहीं जहाँ मारी हाजिरी न हो। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। हाँ, सफाई थी हूँ दूर भागो छु। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों मने खूब पसंद छे। गंदी चीज़ों में रोग के जंतु रहते हैं। गंदी चीज़ों में रोगना जंतु रहे छे। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। हूँ ते जंतुओं ने घरे घरे फैलाऊ छु। बहुत सी बीमारियां मेरे कारण ही फैलती है। कई ऐसी बीमारियां होती है जो मक्खी के कारण ही फैलती है, क्योंकि वो अपने पैरों में जहाँ बैठती है गंदगी में वहाँ से जंतु ले जाती है और वो घर में प्रवेश करती है, तो वो सभी चीज़ों पर बैठती है, तो वहाँ पे वो जंतु भी बैठते हैं। और वो खाने पे बैठती है तो खुला खाना हम रखते हैं तो उसमें बैठती है, तो उसके द्वारा वो हमारे पेट में जाता है और अनेक बीमारियाँ हमें होती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। मक्खी यहाँ पे कहती है कि जो आपको बीमारियों से बचना है, लेकिन बीमारियों से बचवू हो तो तमारू घर और तमारी शेरी साफ रखो, या साफ सफाई करो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। तुम्हारा घरे जो साफ सफाई थती हसे, चोखू चोखू तमे राखता हसो, तो त्या हूँ नहीं आऊँ। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मारा न आवामां ज तमारी अने तमारा परिवार एटले के कुटुंबनी भलाई एटले के कल्याण छे। बाद में यहाँ पे स्वाध्याय में हम देखेंगे। एक नंबर, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के पास गुजराती शब्द लिखिए। એટલે કે અહીંયા હિન્દીમાં શબ્દ આપ્યા છે, એની સામે આપણે ગુજરાતી એનું લખવાનું છે। માખી તો માખી, કોણ તો કોણ, જગહ તો જગ્યા, ગંદગી તો ગંદકી, બીમારી રોગ, ભલાઈ ભલું, કલ્યાણ। દો નંબર મેં નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લિખીએ। एक नंबर, मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो हर जगह मक्खी पाई जाती है। दूसरा है, मक्खी किससे दूर भागती है? तो मक्खी सफाई से दूर भागती है। रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? रोगों के जंतु गंदी चीज़ों में रहते हैं। चार नंबर में है, किससे बचने में हमारी भलाई है? तो मक्खी से बचने में हमारी भलाई है। थैंक यू।